महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में युवा उत्सव का आयोजन रखा गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने 22 विधाओं में अपनी प्रस्तुति दी। समूह गायन, एकल नृत्य, एकल गायन में छात्र एवं छात्राओं ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी। प्रोफेसर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय की प्रस्तुति के बाद इन्हें संभाग स्तरीय में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस तरह के कार्यक्रमों से छात्र एवं छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और उनके हुनर को सराहा भी जाता है। जजेस के मंडल के द्वारा उन्हें अंक भी प्रदान किए गए। उन्हीं अंकों के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय तृतीय स्थान भी छात्र एवं छात्राओं को प्राप्त होगा। सर, किस तरह का सर युवा उत्सव चल रहा है? मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार युवा उत्सव 4 चरणों में होता है। एक महाविद्यालयीन स्तर, एक जिला स्तर, एक विश्वविद्यालय स्तरीय और सबसे अंतिम राज्य स्तर का युवा उत्सव 4 स्तरों पर आयोजित होता है। और जिसमें अभी महाविद्यालयीन स्तर पर आयोजित हो चुका है 14, 15, 16 सितंबर को, और अभी जो वर्तमान में चल रहा है ये जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें पूरे ज़िले के जितने महाविद्यालय हैं उन सारे महाविद्यालयों के विद्यार्थी जो कि महाविद्यालय स्तर पर सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं, वो जिला स्तरीय जो युवा उत्सव है उसमें सहभागिता कर रहे हैं। छात्रों को किस तरह? मैंने समूह गायन में भी दी है और एकल गायन में भी दी है। कितनी तैयारी की थी, क्या रहा? अच्छा, तैयारी तो बहुत अच्छी की थी और अच्छा रहा, बहुत मज़ा भी आया, सबने तालियां भी बजाई। क्या बोलते हैं एकल गायन की, कौन सी बोलते हैं आपके? एकल गायन में थे काना बरसाने में आ जाइयो बुलाए रही राधा प्यारी। तो काफी उत्साह रहता है आप लोगों को युवा उत्सव को लेकर? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी यादव है और आज हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी में जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें जो समूह गायन था उसमें हम लोग फर्स्ट आए हैं और पाश्चात में भी हम लोग फर्स्ट आए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। और इसके बोल थे स्वर्ग से सुंदर देश हमारा, जिसमें हम लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज हम लोगों ने इधर महाराजा कॉलेज यूनिवर्सिटी छतरपुर की इधर पे समूह गायन में हम लोगों ने प्रस्तुति दी है, तो बहुत अच्छा लगा और सभी ने देखा है और सर लोग भी आए थे और कृष्णा यूनिवर्सिटी से सर आए थे, सर काफ़ी लोग आए थे और बच्चे भी थे, स्टूडेंट भी थे, सभी ने देखा और अच्छा लगा और हम लोगों का फर्स्ट नंबर आया है। 6 लोग टीम में थे और भैया लोग भी थे, संगतकार भी थे हम लोगों के साथ। भारतीय समूह गायन में हम लोगों का प्रथम स्थान आया है और पाश्चात में भी हम लोगों का प्रथम स्थान आया है। सर लोगों की और भैया लोगों की सबकी कृपा से आज हम लोग का फर्स्ट स्थान आया है। तैयारी की थी आप लोगों ने? हम लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं तैयारी करने के लिए, इससे ज़्यादा भी हो जाता है। भारतीय समूह गायन की और भारतीय पश्चात गायन में इन दोनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है हमारी टीम ने। कितनी तैयारी आप लोगों ने की थी, कितना उत्साह था युवा? बहुत ज़्यादा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में युवा उत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी युवा उत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें आज जो हमारी प्रस्तुति थी वो भारतीय समूह गायन की थी और पाश्चात समूह गायन की थी, जिसमें महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दलों ने दोनों प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसमें जो हमारे प्रतिभागी थे